गाइस, अगर आप ट्रेडिंग में राइट एंट्री लेना सीख गए तो आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाने में कोई नहीं रोक। गाइस, ट्रेडिंग में यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता है, वो होता है राइट एंट्री। क्योंकि अगर आप राइट एंट्री लोगे तभी आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा, नहीं तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो जा रहा है। और जो सबसे टफ माना जाता है ना, वो एंट्री ही माना जाता है कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा टफ कुछ है वो है। तो गाइज, उसी को लेकर के यार आज मैं आपके लिए एक ऐसा सिम्टम्स, एक ऐसा स्ट्रेटजी आप बोल सकते हो, एक ऐसा एंट्री सेटअप लेकर के आया हूं जिससे गाइज 110% आपको प्रॉफिट होगा ही होगा यार। और अगर उससे अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप सबसे पहले वीडियो को डिसलाइक करना। मैं रियली बोल रहा हूँ, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप वीडियो को डिसलाइक करना, और अगर प्रॉफिट हुआ तो आप वीडियो को लाइक। क्योंकि गाइज आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने जा रहा हूँ यार जो मैं खुद यूज करता हूँ और आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। रियली बता रहा हूँ, ये मुझे खुद बहुत हार्डवर्क के बाद में जो सीक्रेट मुझे मिला था वो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए गाइज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेडिंग। तो गाइज, अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वो स्ट्रेटजी है जिसका बात मैं अभी करने वाला हूँ। एक्चुअली में क्या है गाइज कि अगर ये जो सेटअप यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ट्रैप के ऊपर बेस्ड है। ये पूरा का पूरा सेटअप हमारा जो है वो ट्रैप के ऊपर बेस्ड है, और बस इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा करके सुनना, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही बारीकियों के साथ में सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। और सीक्रेट बताऊंगा नहीं, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल चार्ट पर अभी हम लोग इस्तेमाल करके भी देखेंगे इसका इस्तेमाल मैं कैसे करता हूँ। बट उससे पहले गाइज वीडियो में यार आगे बढ़ने से पहले, मार्केट लीग एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया के टॉप ट्रेडर्स जो सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर होते हैं गाइज, वो आपको यहां पर कंप्लीट ट्रेडिंग सिखाएंगे और अपने साथ में लाइव ट्रेडिंग भी कराएंगे। वो भी गाइज अभी मैं आप लोगों के लिए ऑफर लाया हूं कि ये आप लोगों को फ्री में एक्सेस होगा, फ्री में आप लोगों को मिलेगा। तो इसका कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको आगे चल करके वीडियो में दे दूंगा, अभी हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो गाइज अभी मैं बताता हूँ ये एंट्री स्ट्रेटजी में क्या है। गाइज मान लो कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपको क्या मानना कि ये जो यहां पर जो दिख रहा है ये हमारा क्या रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के पास में क्या होता है कि मार्केट आती है, रेजिस्टेंस के पास में क्या होता है मार्केट आती है। तो कभी भी अगर रेजिस्टेंस के पास में अगर मान लो अगर मार्केट आती है, मान लो ये रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस के पास में अगर मार्केट अगर आपका आती है, तो मार्केट आने के बाद में यहां पर 4-5 घंटा 2-3 घंटे मतलब कुछ कैंडल्स यहां पर 8-10 कैंडल बनाता है, ठीक है, थोड़ा देरी के लिए मार्केट यहां पर रुकती है। क्या होता है, थोड़ा देरी के लिए मार्केट यहां पर रुकती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी आप लोग होते हो सारे लोग यहां पर ट्रेड बनाते हो। क्या करते हो, मार्केट यहां पर आती है, जैसे ही रिवर्सल कैंडल यहां पर बनता है आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहां पर एंट्री बनाते हो। और जब भी आप लोग एंट्री बनाते हैं उसके बाद में क्या होता है, आप लोग अपना स्टॉप लॉस ऊपर में रखते हो, ऊपर में रखते हो, और आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, आप लोगों का क्या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आज उसी के ऊपर बेस्ड एंट्री है ये हमारा, कि आपको यहां पर एक गलती नहीं करना है। वो क्या है कि जब भी मार्केट यहां पर आएगी, तो यहां पर आने के बाद में जब भी मार्केट यहां पर 5-10 कैंडल 6-7 कैंडल इस तरीके से बनाएगी, तो आपको क्या करना है ना, थोड़ा देरी तक पेशेंस के साथ में वेट करके, और आपको बस इंतजार करना है कि एक बार मार्केट क्या करे, आपका ये जो एरिया यहां पर जो 6-7 कैंडल जो यहां पर बना रही है, यहां पर जो 6-7 कैंडल जो यहां पर बन रहा है, ठीक है, 8-10 कैंडल या फिर मार्केट थोड़ा बहुत जो साइडवेज हो रही है, ठीक है, उसके हाई को ब्रेक करे एक बार। एक बार क्या करे कि एक बार वोलेटाइल कैंडल इसके हाई को ब्रेक करे, और फिर जब हाई को ब्रेक कर दे उसके बाद में दोबारा हमारे पास में रेड कलर का कैंडल बने जो इसको क्या करे वापस से नीचे आ जाए। समझ रहे हो क्या करना है आपको, वापस नीचे आ जाए, उसके बाद आपको एंट्री बनाना। मतलब क्या, मार्केट कभी भी अगर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में आती है तुरंत आपको एंट्री नहीं बनाना है, आपको इंतजार करना है कि मार्केट आने के बाद में यहां पर लोगों को ट्रैप करे, जो कि भी दिखाएंगे हर बार, हमेशा होता है ये ऐसा बात नहीं कि अभी हो रहा है, ये आपको हमेशा मिलेगा कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास में आएगी 8-10, 2-4 कैंडल या फिर 2-4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे रुकेगी, कभी कभी एक एक दिन यहां पर रुकती है, और यहां पर थोड़ा देर के लिए साइड भी जुटी है, और आप लोग क्या करते हो, आप लोग को लगता है कि अब मार्केट नीचे चली जाएगी, अब मार्केट नीचे चली जाएगी, और बिना पेशेंस के साथ में आप लोग तुरंत एंट्री आप लोग बनाते हो, और आप लोगों का क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। रीजन क्या है कि देखो यहां पर मार्केट आती है, तो देखो आते साथ में कभी भी मार्केट बिना आपको ट्रैप किए नहीं जाएगी,
इस बात को दिमाग में रख लीजिए। और इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन जो आपके पास में लाया हूं वो ये है कि मार्केट यहां पर आती है, 8-10 कैंडल बनाती है, तो आपको बस ये काम करना है, इंतजार कीजिए कि मार्केट एक बार उसके हाई को, जो भी कैंडल वहां पर हाई लगाया है, जिस तरह मान लो मार्केट यहां पर थोड़ा सा साइडवेज हुई है, तो इसके हाई को ब्रेक करके वापस मार्केट आ जाए। समझ रहे मेरी बात को? इसके हाई को बस मार्केट ब्रेक करे और मार्केट फिर वापस से रेड कलर का कैंडल बनाए, आप लोग तुरंत उसके बाद में एंट्री बनाना, देखना। क्योंकि पता है आपको कि देखो मार्केट ये हाई को जब ब्रेक करने के लिए जाएगी ना, तो इसका मतलब, क्योंकि जितने भी रिटेलर यहां पर एंट्री बनाएंगे, जो जो लोगों को ये सब चीजें पता नहीं है, ठीक है, जो एसएमसी नहीं जानते हैं, जो जो मेरे से वीडियो नहीं देख रहे, ठीक है, जो जिन्हें ट्रैप के बारे में नहीं पता, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को ट्रैप के बारे में नहीं पता होता है, जितने भी बिगनर ट्रेडर होते हैं ना, उन्हें ट्रैप के बारे में पता नहीं होते, वो यहां पर एंट्री करेंगे, मार्केट जाएगी, उन लोगों का स्टॉप लॉस लेगी, उन लोगों का स्टॉप लॉस जब हिट हो जाएगा उसके बाद मार्केट वापस आ जाएगी, उसके बाद में क्या हो जाएगा, मार्केट वापस आ जाएगी और देखना उसके बाद में पैसा बनेगा। जो लोग उसके बाद एंट्री करेंगे ना, जब सबका स्टॉप लॉस, याद रखना, मोस्ट ऑफ द रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद अगर आप एंट्री करोगे तभी आपका पैसा बनेगा, नहीं तो आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। और आप लोग खुद आप लोग एक चीज फील करना कि अब जब सारे रिटेलर ट्रैप हो गए हैं उसके बाद में आप एंट्री बना रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल तरीके से मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। देखो इसका सिंपल सा, देखो यहां पर मैंने कुछ कैंडल के साथ में मैंने बनाया है, ठीक है। मान लो मार्केट इधर से नीचे से आती है ऊपर के पास में, यहां से है ना मार्केट, इसको मैं ग्रीन कलर का कर देता हूं। देखो मार्केट क्या करती है, मार्केट यहां से मान लो कि मार्केट ऊपर की तरफ आती है, ठीक है, यहां पर आने के बाद में क्या करती है, यहां पर मार्केट जब आ जाती है तो यहां पर आने के बाद मार्केट थोड़ा सा, देखो 4-5 कैंडल बनाई है, ठीक है, इसको बोलते हैं साइडवेज बोलते हैं। जब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ना तो ये आपको क्या साइडवेज मिलेगा। तो यहां मार्केट क्या करती है कि साइडवेज बनाती है, साइडवेज करती है, ठीक है, यहां पर साइडवेज की मार्केट, और साइडवेज के बाद में जब देखो अब ये सब जब कैंडल बनता है ना, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को जब ये रेड कलर का कैंडल बनेगा, ये खास करके जब रेड कलर का कैंडल बनेगा तो लोगों को पता क्या लगेगा, अब मार्केट पक्का नीचे चली जाएगी, अब मार्केट पक्का नीचे चलेगी, सारे लोग यहां पर एंट्री बना देंगे, सारे लोग यहां पर एंट्री बनाकर स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, यहां पर हार्डली रखेंगे, कहां पे, यहां पे या यहां पर रखेंगे, और फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट जाएगी, सबका स्टॉप लॉस लेगी। तो आपको बस ये इंतजार करना है ना कि जब भी मार्केट यहां पर कभी भी आए, आने के बाद में अगर इस तरह का साइडवेज अगर करेगी, आपको बस एक चीज इंतजार करना है कि कुछ इस तरह का कैंडल मार्केट में जा करके, ऊपर जा करके और मार्केट को ब्रेक कर दे, मार्केट को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, और उसके बाद में क्या हो कि एक इसी तरीके का रेड कलर का कैंडल आप लोगों को मिले, एक क्या करे, इसी तरीके से रेड कलर का कैंडल आप लोग को मिले, आपको करना कुछ भी नहीं है, यहां पर एंट्री लो और अपना स्टॉप लॉस यहां पर रखो और टेक प्रॉफिट आप लोग का नीचे रहेगा, ठीक है। टेक प्रॉफिट क्या गाइस, अब आप लोग क्या करो, शांति से नीचे रख दो, देखना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना यहां पर टेक प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। अब चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको अपने चार्ट पर देखते हैं, चार्ट पर देखते हैं और रेंडमली कहीं पे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, रेंडमली हम लोग स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो सब पे देखेंगे, ठीक है ना, डोंट वरी, हम लोग मैं तीनों पे दिखा दूंगा आप लोगों को। बट गाइज वो दिखाने से पहले यार, अगर आप लोग गाइज कंप्लीट ट्रेडिंग यार, वो भी बारीकियों के साथ मेरे साथ में गाइस लाइव मार्केट में, वो भी पर्सनल मेंटोरशिप, मेरा पर्सनल गाइडेंस के साथ में गाइस सीखना चाहते हो, वो भी 1-to-1 हो करके, जिसमें आपका माइक ऑन रहेगा, ऑफलाइन जैसा पूरा का पूरा क्लास रहेगा गाइस, अगर आप लोग इस तरीके से अगर सीखना चाहते हो गाइस, तो हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है। यहां पर क्या होगा गाइस कि सबसे पहले तो यार मैं आपको कंप्लीट ट्रेडिंग सिखाऊंगा, थ्योरी नॉलेज के साथ में, कंप्लीट A-to-Z, वो भी लॉजिक के साथ में, सीक्रेट नॉलेज के साथ में, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या सीक्रेट नॉलेज होता है, तो उसके साथ में, और उसके बाद में क्या करूंगा इसकी, आपको मैं अपने साथ में लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कराऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि जो नॉलेज मैंने आपको दिया ना, वही नॉलेज का इस्तेमाल करके मैं पैसा कैसे बनाता हूं, कहां मेरा एंट्री होता है, कहां मेरा स्टॉप लॉस होता है। अगर आपको कंप्लीट ट्रेडिंग अगर मेरा जानना है, मेरे को देखना है, मेरे साथ में 2-3 महीने में आपको अपने साथ में ट्रेडिंग कराऊंगा, जिससे क्या हो कि आपको बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पाए। अगर आप लोग गाइस इस तरह का अगर क्लास चाहते हो जिसका फी भी ज्यादा नहीं है, डोंट वरी, आप लोग बोलोगे सर 50,000 लाख होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे बहुत कम, बहुत कम, ठीक है ना, आप लोग आसानी से एफर्ट कर सकते हो, बस ये जान जाओ आप लोग, ठीक है, ओके। तो गाइज अगर आप लोग चाहते हो यार अगर ज्वाइन करना हमारे क्लास को, तो गाइज यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, मेक श्योर गाइज अगर आप लोग डिटेल में अगर इंक्वायरी भी चाहते हो तो ये नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर लेना, और आपको फी वूकस एवरीथिंग सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ये नंबर पे मिल जाएगा, या फिर कॉल करना या फिर व्हाट्सअप कर लेना, आपको कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ओके गाइज। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, बट गाइज देखो इसके लिए क्या करना है ना कि आपको टाइम फ्रेम मैं बता देता हूँ, ये जो टाइम फ्रेम ना आपको 5 या 15 मिनट रखना है, उससे बड़ा टाइम फ्रेम आपको नहीं रखना है, क्या 5 या फिर 15 मिनट, 5 या फिर क्या
15 मिनट का टाइम फ्रेम ही आपके लिए, दो ही टाइम फ्रेम आपको रखना है, इसके अलावा तीसरा कोई भी टाइम फ्रेम आप लोग नहीं रखिएगा। क्या तीसरा कोई भी टाइम फ्रेम आप लोग क्या, आप लोगों को क्या नहीं रखना है। तो चलिए रैंडमली अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को, रैंडमली मैं दिखा देता हूं, ठीक है ना, चलिए छोड़िए, रैंडमली दिखाता हूं मैं आप लोगों को, रैंडमली देखिए, यहीं पर देखिए, देखिए यहां पर क्या था, यहां पर हमारा सपोर्ट था, नोटिस कीजिएगा, तो यहां पर आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, रेजिस्टेंस पे भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, रेजिस्टेंस पे भी दिखाऊंगा, सपोर्ट था हमारे यहां पे, यहां पे क्या था, सपोर्ट था, ठीक है। अब क्या किया मार्केट ने, देखो यहां पर आई मार्केट, ठीक है, यहां पर आई, थोड़ा देर तक साइडवेज हुआ, इसको हम लोग साइडवेज मार्केट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइडवेज मार्केट बोलेंगे। देखो ये क्या है, साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट हुआ, मोस्ट ऑफ द लोग यहां से बाय किए होंगे, मोस्ट ऑफ द लोग यहां से बाय किए होंगे। मार्केट ने किया क्या, लास्ट में एक इसी तरीके से, एक जैसा मैंने, देखो जैसा मैंने आप लोगों को ग्रीन कलर का अच्छा बुलिश कैंडल दिखाया था, ये सपोर्ट पे दिखा रहा हूं, रेड कलर का बुलिश कैंडल बनाया, उसके बाद में देखो ग्रीन कलर का कैंडल बनाया, उसके बाद में एक और ग्रीन कलर का कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट देखो ऊपर चली गई, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को ट्रैप करेगी। चलो ओके, अब एक यहीं पे दिखा देता हूं बुलिश में भी, ठीक है, बुलिश में भी दिखाता हूं आप लोगों को, देखिए ये आप लोग का सपोर्ट था, ठीक है, ये आप लोगों का क्या सपोर्ट था। अब आप लोग यहीं पे देखो, यहां पे मार्केट आई, मार्केट आने के बाद में यहां पर क्या किया, यहां पर 2 4 5 10 कैंडल यहां पर साइडवेज बना, क्या किया है, ये साइडवेज है, यहां पर 8 10 कैंडल, 2 4 कैंडल, 5 कैंडल बनाया। अब इसमें कुछ बुलिश भी है, कुछ बेरिश भी है, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे कि इसको देख करके यहां से शॉर्ट कर, या फिर ये हैमर इसको देख करके शॉर्ट कर। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, मार्केट गई ऊपर, वीक के थ्रू सारा का सारा स्टॉप लॉस ले ली, जरूरी नहीं कि कैंडल ही जाएगा ऊपर और क्लोज करेगा, जी नहीं, आप लोगों को बहुत बार क्या होगा, वीक जाएगा, सारा का सारा स्टॉप लॉस ले लिया, उसके बाद मार्केट क्या किया, नीचे की तरफ आ गया, आप लोग का मार्केट क्या किया, नीचे की तरफ आप लोगों का आ गया। अब मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे कि सर यहां पर ऐसा नहीं हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम, देखो ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो अगर आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का ये काम है, ठीक है, ये 15 मिनट का काम है, ठीक है, ये 15 मिनट में दिखाता हूँ आपको मैं, तो आप लोग को दिखेगा यहाँ पर। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, इसको देखो, यहाँ पर मार्केट ने किया क्या, ये हमारा एक रेजिस्टेंस था, आप लोग बोलोगे हाँ 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 भाई रेजिस्टेंस था, मार्केट ने किया क्या यहाँ पर, देखो 5 और मैंने बोला 5 और 15 मिनट में ही ये दो ही टाइम फ्रेम में काम करेगा, उसके अलावा कोई कोई टाइम फ्रेम में काम नहीं करेगा। मार्केट यहाँ पर आई, मोस्ट ऑफ द लोग शॉर्ट का ट्रेड बना रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग शॉर्ट का ट्रेड बना रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग शॉर्ट, यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो रही है, ये क्या, ये साइडवेज है, ये है क्या, ये साइडवेज है। मैंने क्या बोला, कभी कभी 1 2 दिन भी मार्केट यहाँ पर रुकेगी, ठीक है, 1 2 दिन भी मार्केट रुकेगी, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोगों ने यहाँ पर सेल का एंट्री बना लिया, सेल का एंट्री बना लिया, सेल का एंट्री बना लिया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट गई, सबका स्टॉप लॉस लिया, रेड कलर का फिर कैंडल बना, आपको यहाँ पर एंट्री बनाना था, यहाँ पर एंट्री बनाइए, स्टॉप लॉस नीचे रखिए, टेक प्रॉफिट आप लोग नीचे की तरफ रख लीजिए, जहां भी आप लोग को रखना है, यहाँ पर रखने का मन करे, यहाँ पर रखने का मन करे आप रख लीजिए, ठीक है। ये आपको सब जगह मिलेगा, देखिए ये यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस था, सब जगह ये चीजें आपको मिलेगी देखने को। देखिए मार्केट यहाँ पर आई, आने के बाद में क्या किया कि यहाँ पर 2 4 कैंडल फिर मार्केट थोड़ा सा रिजेक्ट हुई, ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखना ना कि मार्केट अगर यहाँ पर अगर आ जाती है, तो अगर यहाँ से रिजेक्ट दे, तो दोबारा मार्केट जा करके इसके हाई को क्लोज करना चाहिए, क्यों, स्टॉप लॉस इसी के ऊपर रहता है, समझ रहे हो, उससे मे भी बहुत बार ऐसा करेंगे थोड़ा सा ज्यादा नीचे आएगी, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ गई, तो घबराना नहीं है, डोंट वरी, मार्केट दोबारा जाएगी, फिर यहाँ से देखो रिजेक्ट हुई, इसके हाई को क्लोज नहीं किया, तो आपको इंतजार करना, क्या इसके हाई को क्लोज मार्केट ने नहीं की है, तो आपको इंतजार करना, क्योंकि स्टॉप लॉस तो इसके ऊपर होगा ना, अगर आप अगर यहां पर एंट्री बनाओगे स्टॉप लॉस कहां, यहां होगा, अगर आप यहां एंट्री बनाओगे तो स्टॉप लॉस यहीं पे रखोगे, समझ रहे हो, तो आपको बस ये इंतजार करना है कि मार्केट यहां पर आने के बाद में थोड़ा बहुत रिजेक्शन देगी, ठीक है, यहां पर थोड़ा बहुत रिजेक्शन देगी, ठीक है, तो आपको ये इंतजार करना है कि कैंडल के हाई को मार्केट ब्रेक, कैंडल के क्या हाई को मार्केट ब्रेक करे, उसके बाद बहुत बार ऐसा करेगी, देखो ये बहुत बार इस तरह का सिचुएशन बनेगा, बहुत बार ऐसा बनेगा कि मात्र यहीं पर 2 4 कैंडल बना, इसके हाई को ब्रेक किया, फिर मार्केट डायरेक्ट नीचे, क्या करेगी, 2 4 5 कैंडल बनेगा, इसके हाई को ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे, ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गाइस देखो ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि चार्ट के ऊपर सब कुछ नाप तोल करके नहीं बनता है, सब कुछ क्या नाप तोल करके नहीं बनेगा कि आपको एग्जैक्ट मैं बता दूंगा कि बस 2 4 कैंडल ही बनेगा वैसा ही मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, जी नहीं, ठीक है, कभी टेढ़ा, कभी थोड़ा सा नीचे, थोड़ा ज्यादा नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, क्योंकि यार ये ट्रेडिंग है, ठीक है, यहाँ पर नाप तोल करके नहीं हो रहा है, पर बायर सेलर जैसे मन कर रहा है वैसे कर रहे हैं, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, ओके। तो चलिए अब मैं ये आप लोगों को गोल्ड में मैंने दिखा दिया, अब आप लोगों को मैं दिखाता हूं निफ्टी में,
निफ्टी 15 दिखाता हूँ। बट उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गाइस मार्केट लीग यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेडिंग इवेंट्स होते हैं। गाइस यहां पर 23, 24, 25 जनवरी को यहाँ पर एक इवेंट होने वाला है। ये इवेंट 3 दिन चलेगा, सुबह 10 बजे से लेकर के इवनिंग का टाइम 3 बजे तक तीनों दिन कंटिन्यू क्लास चलेगा। 15+ सेशन चलेंगी, मतलब क्या 15+ सेशन चलेंगे। 5-6 टीचर्स यहाँ पर, वो भी सेबी रजिस्टर्ड टीचर होंगे, जो इंडिया के टॉप टीचर्स होते हैं वो यहां पर आएंगे और आप लोगों को क्या कंप्लीट ट्रेडिंग सिखाएंगे। अब टॉपिक्स क्या क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, गाइस टेक्निकल स्टडीज आपको सिखाया जाएगा, हेजिंग टेक्निक आपको सिखाया जाएगा, यहां पर आपको इंडेक्स एंड डेरिवेटिव सिखाया जाएगा, टॉप स्ट्रेटजीज आपको सिखाया जाएगा। मतलब यार यहां पर बहुत कुछ आप लोगों को सिखाया जाएगा। सिखाने के साथ साथ में आप लोगों को क्या लाइव ट्रेडिंग भी यहां पर कराया जाएगा। और गाइज अगर मैं बात करूं कि अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें क्या हुआ कि मात्र 24 घंटे के लिए आप लोगों को ये जो 3 दिन में एक दिन जो 23 तारीख होगा उस दिन के लिए आप लोगों को फ्री क्लास मिलेगा। क्या मिलेगा आप लोगों को, फ्री क्लास मिलेगा। तो आप लोगों को करना क्या यार कि ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक से ही आपको मिलेगा, वो भी 24 घंटे के लिए ही है। तो चलिए गाइस वापस से हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और हम लोग देखते हैं निफ्टी को, ठीक है, कि निफ्टी में सेम प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं। तो गाइस यहां पर देखो सेम प्रोसेस यहीं पे, अभी देखो लाइव जो मार्केट है, ठीक है, यहीं पे सेम टू सेम सेम प्रोसेस मैं इस्तेमाल करके दिखाता हूं। देखो यहां पे मार्केट आई, ये आपका रेजिस्टेंस था, प्रीवियस देख सकते हो, यहीं से रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस था, मार्केट यहां पर आई, ठीक है, 4-5 कैंडल लगी, थोड़ा सा रिजेक्ट हुई, फिर मार्केट गई, सबका स्टॉप लॉस ली, उसके बाद ही आपको एंट्री करना, उसके बाद देखो मार्केट नीचे जा रही है, उसके बाद क्या मार्केट नीचे जा रही है। ये रैंडमली मैं कहीं भी दिखा दूंगा, बट 5 मिनट पे आपको दिखाता हूं। देखो यहीं पे देखो, मार्केट यहां पर आई, यहां पर क्या किया साइडवेज की, फिर मार्केट क्या किया कि एक कैंडल गई नीचे की तरफ, सबका स्टॉप लॉस ली, उसके बाद मार्केट, ठीक है। तो हमेशा इस चीज का इंतजार करना है कि साइडवेज के बाद में आपको बस इस चीज का इंतजार करना है गाइस कि मार्केट एक बार साइडवेज दे, ठीक है, मार्केट क्या करे एक बार आप लोगों को साइडवेज दे यहां पर, और जब इसका हाई ब्रेक हो अच्छे तरीके से, इसका हाई जो यहां पर जो इसका लो ब्रेक हो, उसके बाद ही आपको एंट्री करना, नहीं तो आपको एंट्री क्या नहीं करना है, ठीक है। रैंडमली कहीं पे भी हमें दिखा, तो देखो यहीं पे देखो मार्केट ने क्या किया, जो कि 15 मिनट में आप लोग को बेहतर तरीके से यहां पर दिखेगा, ठीक है, 15 मिनट में क्या आप लोग को बेहतर, देखो मार्केट यहां पर आई, मार्केट क्या किया यहां पर आई, यहां से रिजेक्ट होने लगी, मोस्ट ऑफ द लोग यहां से शॉर्ट का ट्रेड बना देंगे, ठीक है, फिर मार्केट गई, ठीक है, इसके ऊपर जाकर के देखो सारा का सारा यहां से स्टॉप लॉस ली, और उसके बाद फिर यहां से मार्केट नीचे की तरफ गई, क्या कि यहां पर मार्केट नीचे की तरफ गई। तो आपको बस इसी चीज का इंतजार करना है, हमेशा इस चीज का इंतजार करना है कि वेट करना है कि मार्केट सबसे पहले क्या करे। देखो यहीं पे देखो मार्केट रेजिस्टेंस के पास में आई, आने के बाद में क्या किया कि यहां से रिजेक्ट होने लगा, 8-10 कैंडल बनाए, फिर मार्केट क्या किया कि मार्केट गई, सबका स्टॉप लॉस ये कैंडल ने ले लिया, ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आई। तो आपको बस एक ही चीज इंतजार करना है कि जब भी मार्केट यहां पर आएगी तो इस तरीके से होने दो, सबका स्टॉप लॉस लेने दो, उसके बाद ही आपको एंट्री बनाना है, नहीं तो आपको एंट्री नहीं बनाना है, ठीक है, नहीं तो क्या आपको एंट्री नहीं बनाना है। बस एक चीज इंतजार कर लो ना, एक ही चीज जो मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, एक ही चीज का आपको इंतजार करना है, कोई भी रेजिस्टेंस हो मार्केट, अगर मार्केट यहां पर अगर आती है, ठीक है, तो भले यहां पर कितना भी साइडवेज कर, थोड़ा नीचे भी आ जाए, आपको एंट्री नहीं बनाना, आपको क्या एंट्री बनाना ही नहीं है, आपको इंतजार करना है कि मार्केट एक बार, क्योंकि यहां पर सारे लोग देखो मोस्ट ऑफ द बिगनर ट्रेडर जितने भी होते हैं उनके पास में पेशेंस नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा, उनके पास में पेशेंस बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, वो यहां पर तुरंत वो छूटने के डर से तुरंत यहां पर एंट्री बना लेंगे, एंट्री बनाने के बाद में स्टॉप लॉस कहां हार्डली यहां पर रखेंगे, तो मार्केट एक बार वापस जाएगी और इसके स्टॉप लॉस इसके ऊपर का स्टॉप लॉस देगी जाएगी, उसके बाद आपको एंट्री यहां पर आपको एंट्री, ये एंट्री स्ट्रेटजी रियली बता रहा हूं, 5 और 15 मिनट में अप्लाई करके देख लेना, वैसे निफ्टी पे जनरली 5 मिनट में अप्लाई करना, अगर आप अगर इंडियन मार्केट में अगर ट्रेड करते हो तो 5 मिनट पे, अगर आप फॉरेक्स में करते हो 15 मिनट पे, और अगर आप लोग क्रिप्टो में भी करते हो 15 मिनट, वहां पर भी 5 मिनट में अप्लाई कर सकते हो, बट निफ्टी में खास करके 15 मिनट जनरली बहुत कम सेशन बहुत कम बार मिलेगा आपको, वरना ट्रेड आपका छूट जाएगा, तो निफ्टी में ट्राई करना 5 ही मिनट, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बिटकॉइन में, अब हम लोग क्या देखते हैं बिटकॉइन में देखते हैं, ठीक है, बिटकॉइन में भी आपको सेम प्रोसेस आपको मिलेगा गाइस,
15 मिनट का यहाँ पर, खास करके बिटकॉइन में 15 मिनट का चार्ट लगाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब चीजें खास करके देखने के लिए, देखो देखो ये रेजिस्टेंस था हमारा, आपने बोलोगे हाँ मार्केट आई यहाँ पे, देखो मार्केट क्या किया, यहाँ पर आया, यहाँ से रिजेक्ट होने लगा, फिर आई, फिर रिजेक्ट होने लगी। तो इसको देख करके आप ही बताओ कि आप ही लोग खुद यहीं पर एंट्री बना दोगे, क्या करोगे, आप लोग खुद यहीं पर एंट्री बना दोगे, ठीक है। फिर मार्केट क्या की, गई, सबका स्टॉप लॉस लिया, फिर जब मार्केट यहां से आने लगी तब 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 आपको तब मार्केट सबका स्टॉप लॉस ले लिया, फिर मार्केट आई, तो आपको एंट्री कहाँ लेना था, यहाँ पर लेना था। ये जब रेड कलर का कैंडल, एक बेरिश कैंडल क्लोज हुआ, फिर आपको स्टॉप लॉस कहाँ, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। तो ये इस तरह से ट्रैप हो गए होंगे आप लोग, या आपको बस इसी चीज का इंतजार करना है, देखना कि आप लोग कभी ट्रैप में नहीं फंसोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट कभी भी नहीं होगा, आप लोग एक बहुत अच्छा एंट्री लेकर के निकलोगे। रियली बता रहा हूँ गाइस, एक बार इसको बेहतर तरीके से बैक टेस्ट करो, बट बैक टेस्ट करने के बाद ही काम करेगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, देखो वीडियो देख लेने से कोई ट्रेडर नहीं बनता, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग का सबसे बड़ा गलती बता देता हूँ, क्या करते हो आप लोग, वीडियो देखते हो, डायरेक्ट मार्केट में अप्लाई करने के लिए पहुंच जाते हो, नहीं काम करेगा। कम से कम अगर मैं अगर यहां पर पढ़ा रहा हूं यार, तो इसको कम से कम 20-25 बार एक बार ढूंढो, देखो एक बार अपने चार्ट पर जाकर के देखो, एक बार चार्ट पर देखो कैसे कैसे काम करते हैं, तब आपका दिमाग में काम करेगा, वो सब चीजें जब आप खुद ढूंढोगे ना तब आपको मिलेगा, ठीक है। एक एक दो बार बैक टेस्टिंग करो इसके ऊपर लाइव मार्केट में, एक बार ऐसे ही पेपर ट्रेड करके देखो सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा आपके लिए, एक बार करो, ठीक है। जब आप फुल सेटिस्फाई हो जाओ, उसके बाद पैसा लगाना, क्योंकि पैसा बनाना इतना आसान काम नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना, रियली बता रहा हूँ। अगर एक बात सोच के देखो थोड़ा सा एक बात, कि क्या पैसा बनाना इतना आसान काम है कि दो चार वीडियो यूट्यूब पर किसी का भी देख ले और पैसा बन गया, जी नहीं। इसीलिए मैं तो पर्सनली मैं सारे लोगों को एक बात बोलता हूँ, किसी ना किसी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का पर्सनल गाइडेंस लेना, पर्सनल गाइडेंस, रिकॉर्डेड लेक्चर किसी का मत देखना, वो यार वो सब हमेशा वहां पर लूटा ही, आप लोगों को लूटा ही जाएगा, ठीक है। कोई भी ट्रेडर अगर कोई अगर प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको दे, ठीक है, डेफिनेटली उन लोगों का क्लास जरूर ज्वाइन करना, रियली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग, ठीक है। और गाइज अगर आप लोग मेरा क्लास करना चाहते हो, जहां पर प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, वो जो नॉलेज हम आपको देंगे उसके ऊपर पैसा बना के दिखाएंगे आपको, आपके सामने पैसा बना के दिखाएंगे। अगर गाइज अगर वो क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को नंबर दिख रहा है, मेक श्योर गाइज ज्वाइन करना, जरूर भूलें, ज्वाइन करना ना भूलें। साथ में गाइज मार्केट लीग को भी यार ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि गाइज अभी यहाँ पर यार गाइज अभी आप लोगों को क्या कि मात्र यार ये 24 घंटे के लिए, अभी 12 घंटा बचा हुआ है, ठीक है, ये ऑफर के लिए 12 घंटा बचा हुआ है, आपको करना क्या गाइज, यहाँ पर जाना है, तो मात्र अभी आपको क्या है ना कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी मात्र 100 रुपीज लगेगा, रजिस्ट्रेशन फी क्या गाइज मात्र 100 रुपीज लगेगा। आप लोग जाओ 23 तारीख का पहले देखो, 23 तारीख को जो फैला होगा वो देखो कैसा है नहीं है, ठीक है। आप लोग को अगर पसंद आता है फिर नेक्स्ट फिर आप लोग अपना ज्वाइन करना। तो चलिए गाइस अपन लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।